इनेलो नेता अभय चौटाला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इनेलो बसपा की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर अभय चौटाला काफी खुश नजर आए। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि आज हमारी ताकत इतनी बढ़ गई है कि इनेलो बसपा गठबंधन 10 की 10 लोकसभा और सभी विधानसभा सीटें जीतने के कागार पर है। अभय चौटाला ने मौजूदा सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यही बात कांग्रेस और भाजपा को हजम नहीं हो रही और वो लोग इसे पचा नहीं पा रहे। उस पार्टी को आज फिर उसी जगह पे ला करके खड़ा कर दिया कि कल अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो तो 10 की 10 लोकसभा की 90 की 90 विधानसभा की सीट जीतने का काम आप लोग करो। जब आपकी ताकत बढ़ रही है तो 100% कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग इस बड़ी हुई ताकत को पचा नहीं पा रहे, इसलिए फिर कमजोर कड़ियां ढूंढनी शुरू कर दी। अभय चौटाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इनेलो में सत्ता के दौरान माहौल खराब करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, जबकि इनेलो कार्यकर्ता संगठित और अनुशासित हैं। अभय चौटाला ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल का पैदा हुआ केजरीवाल जींद उपचुनाव लड़ ले उनका भ्रम निकल जाएगा। नेशनल लोकदल पार्टी कोई इस प्रदेश में पहली बार सत्ता में नहीं आई। इस सत्ता में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भागीदारी जब ये प्रदेश अलग बना था तब से है। केजरीवाल तो कल पैदा हुआ है। केजरीवाल केवल और केवल अखबार और मीडिया तक सीमित व्यक्ति है। उसका इस प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है। ये लोग इस तरह की बातें कह करके प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इस प्रदेश के अंदर अगर संगठित कोई दल है, अगर कोई सबसे ज़्यादा अनुशासित लोग हैं, तो उदाहरण आपके सामने था उस केजरीवाल को जब आए तो आप बताना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक आवाज़ के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारी ने उनके साथ बाजारों में खड़े होकर हरियाणा प्रदेश को बंद करने का काम किया था। और केजरीवाल साहब को अगर कोई ज़्यादा भरम है इस बात का तो जींद का उपचुनाव आएगा, उसमें आकर के फार्म भर के देख ले, तसल्ली करा देंगे लोग। इंडिया एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट।